जब तक मैं इस द्वार की रक्षा कर रहा हूँ तब तक कोई इस रेखा को नहीं लांग सकता। अपनी माँ का पुत्र हूँ, बलपूर्वक जाने का प्रयास करने वाले को बलपूर्वक यहीं रोक दूंगा। प्रतीत होता है प्रभु अब इस बालक को इसके हट के लिए अवश्य दंडित करेंगे। उचित है, मैं प्रतीक्षा करता हूं। प्रभु ने दंडित नहीं किया इस बालक को, इसका कहा स्वीकार लिया क्यों? प्रभु देर से ही समझे किंतु समझ तो गए। चुप, बात करो। प्रभु, क्षमा करें प्रभु, किंतु मैं और अन्य सभी गण इस बात से चकित हैं कि एक बालक के कहने से आप अपने ही भवन में जाने से रुक गए। प्रभु, मुझे और अन्य सभी गणों को यह तनिक भी नहीं भाया। प्रभु, आप कुछ नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु हम सब गण मिलकर उस बालक को समझाएंगे। इस बालक को तो अब मैं समझाऊंगा। नंदिदी, इतने तान पतल ते तीदा तल दो। क्या कहा इसने श्रृंगी? नंदी यह कह रहा है कि इसके कान पकड़ के सीधा कर दो। अरे नहीं नहीं, बालक है वो, और बालक के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता। हम उसे एक और अवसर देते हैं। हटी का हट तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है। पहले मैं साम दाम और भेद का प्रयोग करूंगा। और दंड के लिए मैं हूं ही। अरे नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखिए मैं कितनी सहजता के साथ इस बालक को मना लूंगा। तुम यहाँ अकेले खड़े हो तो सोचा तुमसे वार्तालाप कर थोड़ा तुम्हारा मनोरंजन ही कर दूं।
मैं इस द्वार का रक्षक हूँ। मैं मेरी माता की आज्ञा का पालन करूंगा। सतर्क रहना होगा मुझे ताकि कोई भी छल एवं बल से भीतर ना प्रवेश कर पाए। बालक होकर द्वार रक्षा जैसा कठिन कार्य कर रहे हो। यह आयु कार्य करने की थोड़ी होती है, अपितु भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फल, मिष्ठान एवं पकवान खाने की होती है। खाओगे? खाओ, संकोच मत करो, यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। आओ, अब तुम इसका आनंद लो और हमें भीतर जाने दो। पुत्र, स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। द्वार रक्षक के रूप में यहाँ खड़े रहने का जो वचन मैंने माता को दिया है, उसके समक्ष ये वस्तुएं तुच्छ हैं। ना ही मुझे कुछ खाना है और ना ही मुझे किसी को भीतर जाने देना है। मेरा क्रोध जागृत हो रहा है। शांत शांत नंदी शांत। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खाना नहीं है तो मत खाओ, किंतु मनोरंजन का आनंद तो ले ही सकते हो, उसमें तो कोई मनाही नहीं। ऊपर देखो, देखो आकाश के इन मेघों में मैं तुम्हें राजकुमार और राजकुमारी के विवाह का अद्भुत दृश्य दिखाता हूँ, तुम्हें अवश्य आनंद आएगा। ये देखो, सुंदर दृश्य है ये। तुम यहां ये मनोहर दृश्य देखते रहो बालक, जब तक तुम्हारा मन करे। बस अब हमें भीतर जाने दो। की रचना की वो कैसा लगा आपको? आनंद आया? आनंद तो आया ही होगा। अब एक अंतिम बार कह रहा, ध्यान से सुन लीजिए। इस द्वार के आगे मैं किसी को नहीं जाने दूंगा।
समझ गए आप? साम दाम तो व्यर्थ गए, अब क्या करूं? दंड हाय। सावधान बालक। हमारे स्वामी को जानते नहीं हो तुम? वो देवों के देव देवाधिदेव है और उनका क्रोध अत्यंत भयंकर है। है तो हुआ करे, मुझे कैसा भय? भय करो बालक, भय करो, क्योंकि ये वो प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्म देव जी को भी उनके अहंकार के लिए दंडित किया था। मैं ही सृष्टि रचयिता हूँ, मैं ही स्वयंभू ईश्वर हूँ, त्रिमूर्ति में सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मदेव, ये आप नहीं अभी तो आपका अहंकार बोल रहा है। मैं सर्वज्ञाता हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। यदि ऐसा है तो आप इस स्तंभ के आरंभ और अंत को तो सरलता से ढूंढ ही लेंगे। ब्रह्मदेव, उचित है, इसमें क्या कठिनाई है? इस स्तंभ का आकार तो अनंत है, इसके आरंभ और अंत का स्रोत तो मैं किसी भी प्रकार से ज्ञात करने में असमर्थ हूं। मैंने स्तंभ का अंत ढूंढ लिया है। सत्य कह रहे हैं, इसका अंत ढूंढ लिया आपने? मुझ पर संदेह? मैंने जो कह दिया वही सत्य है। मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं। तुम कौन हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। जो अहंकार को अपना आहार बनाता है, सृष्टि के जनक को इतना अहंकार शोभा नहीं देता। ब्रह्मदेव, मैं आपका पांचवा शीश आपसे विलग कर दूंगा। महादेव से प्रतिस्पर्धा करने का यही आपका दंड है। समझे कैसा होता है मेरे प्रभु शिव शंकर का क्रोध? अब समझे कैसा होता है मेरे प्रभु शिव शंकर का क्रोध? बालक हो तुम, इसीलिए अभी तक हमारे प्रभु शिव शंकर और हम सबके क्रोध से सुरक्षित हो। पहचानो उन्हें, ये वही प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने गंगा मैया की प्रचंड और पावन जलधारा को अपनी जटाओं में समाहित किया था। ये उस समय की बात है जब अपने कुल के 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार एवं जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए महान तपस्वी भगीरथ जी ने सहस्त्र वर्षों के तप के पश्चात माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए मना लिया। किंतु फिर चिंता बनी गंगा मैया की प्रचंड जलधारा का महावेग। उनकी महावेग सृष्टि में प्रलय ला सकती थी, इसीलिए भगीरथ जी ने घोर तप कर
प्रभु शिव शंकर को प्रसन्न किया और उनसे गंगा मैया की प्रचंड जलधारा के महावेग को संभालने की विनती की। देवी गंगा, मैं आपके वेग को संभालने के लिए प्रस्तुत हूं। निश्चिंत होकर पृथ्वी पर आइए। अब समझे कितने शक्तिशाली हैं मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। मैं प्रभावित तो अवश्य हूं। किंतु इतना भी नहीं कि मैं अपनी मां की आज्ञा के विपरीत किसी को भी भीतर जाने दूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। भूल मत करो बालक, यदि मेरे प्रभु शिवशंकर का क्रोध जागृत हो गया तो उसका शांत होना सरल नहीं। उनका तीसरा नेत्र सब कुछ भस्म कर देता है। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि ने तो कामदेव को भी भस्म कर दिया था। क्षमा करें प्रभु, मैं देवराज इंद्र के आदेश के आगे विवश हूं। मुझे आपका ध्यान भंग करना ही होगा। समझ में आ ही गया होगा कितना तीव्र है मेरे प्रभु शिव शंकर का क्रोध। इसलिए आज्ञाकारी बालक के समान अपना हट त्याग दो। नंदी, क्या हुआ तुम्हारे साम दाम भेद? मेरे पहले ताता ते तान पतल ते तीदा तल दो, पर नंदी दी मेरे तुम ते ताए। श्रृंगी जी,
इस बालक को समझाने में समय नष्ट हो रहा है। हमें इस बालक को हटाकर आगे बढ़ना चाहिए। उचित है। हठी बालक, बहुत हुआ तुम्हारा हट। जानते भी हो प्रभु शिव शंकर कौन है? इस संपूर्ण जगत के पिता है पिता। माँ को दिया वचन तो मैं किसी के लिए भी नहीं तोड़ सकता हूँ। अबोध बालक, प्रभु शिव शंकर से परिचित नहीं हो तुम। बालक हो इसलिए सुरक्षित हो। अन्य कोई होता तो उसे इस हट का अवश्य दंड देता। चेतावनी का स्वर मुझे मत सुनाइए। मैं किसी का ऊंचा स्वर सहन नहीं करता। और अब मेरी चेतावनी सुनिए, शांतिपूर्वक लौट जाइए, अन्यथा आप सभी मेरे कोप के भागी होंगे। बस बालक। अब और दया नहीं करेंगे। प्रभु शिव शंकर हमारे स्वामी हैं और उनका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। शांति से हट जाओ, अन्यथा बांध कर यहीं बैठा देंगे।